जैन साथियों, अभी हम एकता नगर में रमेश किराना वाली गली के अंदर खड़े हैं और आपको यहाँ का हाल दिखाते हैं। बिजली डिपार्टमेंट का क्या हाल है ये देखो जी, तारों का हाल। पीछे पीछे लेना थोड़ा सा। अभी आप देख लो मेरी हाइट तक जो मेन तारे हैं ये यहाँ से गुजर रही हैं। बहू जी करंट लग जाता है, पानी लेके जाते हैं। ये च करंट ही लगना जी, होर की लगना है बेच। पानी लेके जाती है नानी, करंट लगता है। उधर करना पानी लेके जाती करंट लगता जी, ऐसे हाथ लग जाते। पानी लेके जाती ना जनानी, बाल्टी सिर पे रखे तो करंट लगता है जी। तो माल वो मरने के सिवा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। कई बार इन्होंने मोहल्ले वालों ने एप्लीकेशन दी है बिजली डिपार्टमेंट वालों को, लेकिन ये हालात आपके सामने है। कितनी अलगर्जी बिजली डिपार्टमेंट की है आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, और आगे हालात दिखाते हैं आपको। और ना ही यहाँ पे किसी भी गली के अंदर लाइट है। बिजली डिपार्टमेंट वालों से बात करो, ये कार दिखा दो, वो भी कार देखो, देखो किस तरह ये हालात देखो जी, कितने बुरे हाल है। लेटा नहीं, कुछ ना यहाँ पर किसी भी गली के अंदर लाइट है। बिजली डिपार्टमेंट वालों से बात करो तो वो कहेंगे जी कमेटी वाले करेंगे आपका समाधान, और कमेटी वालों के हालात आपके सामने ही हैं। मैं बिजली मंत्री जी हमारे सरसा से हैं, इसलिए उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप देखिए आपके खुद के इलाके के अंदर क्या हालात बने खड़े हैं। और जो बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो 10-10 बार मोहल्ले वालों ने चक्कर काट लिए, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे। काम तो इन्होंने क्या करना है, थोड़ा सा आप खुद धरातल तक जाकर इन चीजों को देखें, समझें और उनका जो समाधान है वो कराने का काम करें। मेरी बिजली डिपार्टमेंट वाले एक्शन से बात करो। बोलो आप बोलो जी। बोलो दो बार दी थी, कहते कर जाएंगे बस। कितने समय में ले चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं इस चीज की। बिल्कुल एक्सिन साहब, एकता नगर में ना जी गली है रमेश किराना वाली, तो यहाँ पे कई बार एप्लीकेशन दे दी, तारों का बड़ा बुरा हाल है जी। बिल्कुल आप ये लगा लो, बंदे की हाइट तक तारे नीचे लटकी हुई हैं। अच्छा जी, चलो ये करवाइएगा जी, बहुत जरूरी काम है, बड़ा खतरनाक सिस्टम हुआ पड़ा है। ठीक, थैंक यू थैंक यू। इनका नंबर लिख के दे दो, कैसे इनका नंबर ले लो आप। सोमवार को एक जना चला जाना, उनको आ जाएगा बंदा भेज देंगे साथ, मौका दिखा देंगे, ये आपका हल हो जाएगा। नंबर ले रहा हूँ, ठीक है जी। और कोई काम हो तो बताएं। ये जो काम है ना जी, ये कोई एक हिसाब से किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये खुद इनको अफसरों को देख के काम करना चाहिए कि क्या हालात है। और जब कोई वारदात हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाती है, उसके बाद फिर सारे आ जाते हैं, उसके बाद इकट्ठे होने का क्या फायदा। और बाद वो मर ही गए हो, ये गाड़ी है रोज कोई ना कोई मेरे रोज गाड़ी वाले का मेंटेन होती है, कहते गाड़ी तो बंदर हो गए तो मारे तो रास्ता फिर करेंगे आप। क्या नहीं करते, हालात देख लो जी, हालात देख लो। ये सारी जो चीजें आज माहौल जो बना हुआ है ना, ये इसी कारण बना हुआ है कि कुछ लोग जो पैसे से राजनीति करते हैं, फिर कहेंगे बात सारी घुमा फिरा के वहीं क्यों आ जाती है, क्योंकि आज जो हालात हैं वो इसी करके बने हुए हैं। और आप मोहल्लों के अंदर हालात देखिए जरा, सफाई देख लो आप, कितना बुरा हालात दिखाना भाई, गली के अंदर हालात दिखाओ, ये हालात देखो जी क्या बने हुए। किसी भी गली के अंदर लाइटें देखी है क्या? लाइट वाला मैन काम करवा, लाइटें किसी की गली। देखो मैं एक बात खुले रूप से कहना चाहूंगा, कोई किसी का डर नहीं है। ये जो हमारे विधायक के कुछ दलाल बैठे हैं ना, वो दलाल इस एरिया में भी बड़े बैठे हैं। ये जो दलाल है ना, जो 2,000 रुपए इलेक्शन के अंदर आके बांटने का काम करते हैं,
अपने घर भरने का काम करते हैं और उसके बाद उसका खमायजा किसको भुगतना पड़ता है? आम जनता को, पब्लिक को, पब्लिक को भुगतना पड़ता है। इनके दलालों का कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए मैं सरसा की जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बचें, इन लोगों को पहचानने का काम करें जो लोग आपको बेच और उसका खमियाजा 5 साल लोगों को भुगतना पड़ता है। और उम्मीद करता हूं आज जिस मुद्दे पे हम यहां खड़े हैं इसका जल्द से जल्द बिजली डिपार्टमेंट समाधान करेगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।